बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, और आज हमने किसी भी पॉजिटिव नंबर अगर हमें गिवन हो तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते हैं, आज हमें ये मेथड देखना है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन हो एंड बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड के जरिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी नंबर गिवन होगा आपने क्या करना है, उसको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है और पेयर्स बना के उसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, डिवाइड द नंबर इनटू पीरियड्स बाय पुटिंग ए बार। ठीक है, जो भी नंबर गिवन होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है पीरियड्स के अंदर, और वो कैसे, आपने हर पीरियड के ऊपर एक बार लगा देनी है बाय ओवर एवरी पेयर। ठीक है, हर पेयर जो भी पेयर बन रहा होगा उसके ऊपर बार लगा देनी है। अब पेयर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, पेयर आपने यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 2 ये वन पेयर बन गया, आपने बार लगा दी। 7 6 ये वन पेयर बन गया, आपने इसके ऊपर बार लगा दी। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर वो स्क्वायर कॉन्टेन इन द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द फर्स्ट फिगर रूट ऑफ द रूट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम जिसको डिवीजन मेथड में इस तरह ये बॉक्स अंदर लिख लेंगे 67 24, ये ऊपर 12 आ गई। ठीक है, अब आपने एक ऐसा नंबर देखना है ग्रेटेस्ट जिसको जिसका आप स्क्वायर लो तो वो पहले पीरियड से लेस देन आना चाहिए या उसके इक्वली आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 1 इक्वल टू 1 होता है, 2 × 2 = 4, तो 4 ये बहुत ज़्यादा लेस देन है, 3 × 3 = 9 ये भी बहुत ज़्यादा लेस देन है, 4 × 4 = 16 ये भी लेस देन है, 5 × 5 = 25 ये भी लेस देन है, 6 × 6 = 36 ये भी लेस देन है, 8 × 8 = 64 ये 67 से लेस देन है, 9 × 9 = 81 तो ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम क्या लेंगे, फैक्टर 8 वाला लेंगे, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और हमारे पास क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है, सबट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम पीरियड। अब जो नंबर आएगा उसमें अपने पहले पीरियड में इसको सबट्रैक्ट कर देना, तो 67 में से 64 गया तो हमारे पास क्या बन गया, 3 बस। ठीक है, तो पहले 3 स्टेप की समझ आ गई। सबसे पहले क्या करना है, आपने यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है, पेयर बनाते जाना है और हर पेयर को एक पीरियड का नाम देके उसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है कि आपने जो पहला पीरियड होगा उसके ऊपर आपने ऐसा नंबर जो होगा उसका स्क्वायर लेना है जो उसके इक्वल हो या उससे लेस देन, उससे ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे लेस देन होना चाहिए, जहाँ जिस तरह हमने 8 को लिया। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर आएगा उसमें आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना पहले पीरियड के अंदर। स्टेप 4 क्या है, ब्रिंक डाउन द सेकंड पीरियड नेक्स्ट स्टेप 4 में आप नेक्स्ट पीरियड को नीचे लेके आना है। ठीक है, ताकि हम सेकंड डिवाइड कर सकें। और स्टेप 5 क्या है कि जो आप कोशेंट है और जो डिविजर है, ठीक है, उनको आपस में आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, जिस तरह ये ऊपर। ठीक है, 8 + 8 यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, अब फिर फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द न्यू डिविजर इज कॉन्टेन द सेकंड डिवाइडर। फिर आपने इसके बाद ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर इस यहाँ पे पुट करें कि उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट 324 आ जाए। ठीक है, या फिर उसे लेस देन आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए। अब 116 है, इसके अगर हम आगे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 161, ये क्या है, लेस देन है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो उसको यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, और 162 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 224 2 6 12, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और 2 1 2 और एक कैरी वाला 3 हो जाएगा। तो ये हमें 162 क्या हो रहा है, मुकम्मल इसको डिवाइड कर रहा है 324 को। अब ये 82 होगा ना, स्टेप 7 क्या है, जो कोशेंट है वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 6742 का। ठीक है, स्टेप 8 है कि फिर आपने खुद चेक करना है क्या वाकई हमारा जो कोशेंट था ये रिजल्ट हमारा ठीक आया। आपने 82 का स्क्वायर लेना है और उसके बाद अगर रिजल्ट आपके जो नंबर के हमारे मुताबिक आए तो आपका आपने सही उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसके 8 स्टेप्स हैं, तो आपने हमेशा माइंड में रखना है। हम एक और एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर गिवन है 26244। ठीक है, यूनिट प्लेस से हमने पेयर बनाना शुरू किए, 44 का एक पेयर बन गया, इसके ऊपर हमने बार लगा दी, 26 का एक पेयर बन गया, इसके ऊपर हमने बार लगा दी, और 2 हमारे पास सिंगल बन गया। ठीक है, तो ये इसको इसके लगेंगे 44 62 के ऊपर बार और 2 हमारे पास सिंगल बन गया। अब पहला हमारे पास 2 है, तो अब इसके पहला पीरियड हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल वर्ड 2 ही है। ठीक है, अब हमने ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है कि जिसका रिजल्ट हमारे पास 2 आना चाहिए या हमारे पास 2 से लेस देन आना चाहिए, ग्रेटर देन होना। ठीक है, तो पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 = 1 ये होता है। ठीक है, 2 × 2 = 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 को लेंगे। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हम 1 आ गया। अब सेकंड क्या था, इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 गया 1,
ठीक है, और बाकी हम क्या करें जो नेक्स्ट पीरियड था उसको हम नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 6-2 आ गया। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हम डिवीजन के अंदर ऐड करते हैं, तो ये 1+1 हमारे पास क्या हो गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या, अब यहाँ पे हो गया 1, 6, 2। अब नेक्स्ट इधर वो वाला आपने डिजिट को लिखना है कि उसको उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हो वो हमारे पास 1, 6, 2 से लेस देन आना चाहिए या उसके इक्वली आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 21 से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 21 मल्टीप्लाई 1 21 होगा, वो बहुत ज़्यादा लेस देन है। अगर हम 2 पुट करते हैं 22 बन जाएगा, यहाँ पे भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 वो आ जाएगा 44, वो भी लेस देन है। ठीक है, इसे 25 पुट करते हैं वो होता है 125, वो भी लेस देन है। 26 पुट करते हैं वो होता है 156, ये भी उससे लेस देन है। और अगर 27 पुट करते हैं तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7, 7, 49, 9, 4 कैरी हो जाएगा, 7, 2, 14, 4, 18, तो 189, तो वो से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे 6 लिखेंगे और 26 और 6 और 156 आ जाएगा। अगेन सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 बच गया और नेक्स्ट पीरियड को डाउन नीचे फिर लेके आएंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में 6 आ गया था, अब इसके अंदर हम 6 को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 2 1 कैरी और 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास 644 आना चाहिए या उसे लेस देन आना चाहिए। ठीक है, अगर हम पहले फॉर नंबर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 321 आ जाएगा जो लेस देन है। अब हम 2 पुट करते हैं तो 224 और 236, तो ये 6044 आ रहा है, तो ये इसको मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, हमारा 0 बन गया। अब जो 162 क्या है हमारे पास, ये इसका स्क्वायर रूट है 26244 का। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को फिर दोबारा अपने इट सेल्फ मल्टीप्लाई करना है 162 मल्टीप्लाई 162। अगर हमारे रिजल्ट 264 यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया, 26244 रिजल्ट आ रहा है तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा अपने इसी डिवीजन मेथड को आपने क्वेश्चन गुजार करना। ठीक है, तो आज हमने देखा कि आप किस तरह डिवीजन मेथड के जरिए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं।